ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुजानपुर टिहरा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में अब स्कूल टाइमिंग पर न पहुंचने पर स्कूल में प्रवेश करना वर्जित होगा। स्कूल प्रशासन के आदेशानुसार चाहे अध्यापक हो या फिर ननिहाल, अगर स्कूल टाइमिंग पर स्कूल में नहीं पहुंचते हैं तो स्कूल का गेट बंद मिलेगा। एसटुडे के सुजानपुर संवाददाता राजन मेहता ने स्कूल प्रिंसिपल से विशेष बातचीत की और नए नियमों को लेकर जानकारी ली। माध्यमिक पाठशाला में आज हम पहुंचे हैं, जहां पे हमने देखा कि प्रार्थना सभा के दौरान जो स्कूल का मुख्य गेट है वो बंद कर दिया जाता है, जिसका कारण प्रधानाचार्य के आदेशों के अनुसार अनुशासनता में रहना बताया जा रहा है। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि बच्चों के साथ साथ जो अध्यापक वर्ग जो समय पे स्कूल नहीं पहुंचते हैं, उनको भी अनुशासना का पालन करने के लिए महोदय ने आदेश पारित कर दिए गए हैं। अब अगर कोई अध्यापक या स्कूली बच्चे अगर पाठशाला में लेट पहुंच रहे हैं तो या तो उनको खाली मतलब वापस घर लौटना पड़ रहा है, या तो ऑफ डे की लीव पर ही जॉब करनी पड़ रही है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य ने जो आदेश पारित कर दिए गए हैं। वही मध्यकालीन भोजन के समय जो अवकाश होता है उसके लिए भी स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है, और उसका मुख्य कारण ये है कि जो पौष्टिकता के हर जो बच्चों को मिलने चाहिए उसका यही कारण है, और दूसरा जो स्वच्छता का पखवाड़ा है वही ही उसके कारण भी यही रहा है। आओ हम बात करते हैं प्रधानाचार्य महोदय से कि क्या कारण रहा सर कि आज जो स्कूली गेट है जो बंद करना पड़ा है आपके माध्यम से, बच्चों के लिए नहीं खासकर अध्यापक वर्ग के लिए भी ये गेट बंद कर दिया गया है, क्या कारण को बनाए रखने के लिए हमने एक कदम उठाया है। हमारे SMC प्रधान जी साथ में SMC मेंबर्स के साथ हमारी जो है सभा हुई और हमने ये निर्णय लिया कि सुबह जो है ठीक 9 बजे गेट बंद कर दिए जाएं, ताकि बच्चे और स्टाफ जो है उस समय पर स्कूल पहुँचें। इसके साथ साथ हमने मध्यकालीन जो अवकाश होता है बच्चों को, उसमें भी गेट को बंद रखने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चे जो हैं वो घर से लंच ला कर के यहाँ भोजन करें, और साथ ही साथ क्योंकि 6 से 8 तक जो है वो MDM के माध्यम से भोजन दिया जाता है, तो बाकी बड़े बच्चे जो हैं अपना लंच ला कर के यहाँ कर रहे हैं। बाहर से बच्चे जो हैं वो जंक फूड ना लाएं, स्वच्छता बनी रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे बच्चों का, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कदम उठाया। इसके साथ साथ बिल्डिंग के लिए, क्योंकि पीछे जो है बरसात के मौसम में पानी जो है एग्जामिनेशन हॉल में अंदर भर रहा था, तो पीछे हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय यहाँ हमारे पास आए थे खेलों के दौरान, तो उन्होंने ये आदेश भी दिए थे कि इसकी जांच की जाए कि कौन सा ठेकेदार है और किस तरह की ये इसमें कमी है उसको दूर किया जाए, तो उससे संबंधित लोक निर्माण विभाग के JE और उनके सहायक जो है हमारे दो दिन पहले यहाँ पाठशाला में आए थे, वो देखते हैं क्या इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है, और आशा है कि जल्दी ही ये समस्या बिल्डिंग की जो है ये दूर हो जाएगी, और हमारी जो समस्या है एग्जामिनेशन हॉल में पानी ना भरे वो भी दूर हो जाए। आज हमने प्रधानाचार्य जैसे बात की है कि क्या प्रशासन के आदेश है, इन्होंने हमें ब्रीफ किया, इनके लिए आज टुडे से बात करने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आज टुडे के लिए सौरभ गुप्ता के साथ, कैमरामैन सौरभ गुप्ता के साथ राजन मेहता, सोनपुर टीहरा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में जहां एक तरफ अनुशासन को लेकर प्रधानाचार्य द्वारा तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसमें से अगर कोई अध्यापक वर्ग लेट आता है तो उसके लिए भी गेट बंद किया जा रहा है, और बच्चों के लिए तो खासकर 9 बजे के बाद एंट्री नहीं की जा रही है, और जो मध्यकालीन भोजन के लिए व्यवस्था की जाती है उसके लिए भी गेट बंद किया जा रहा है। बच्चों को मध्यकालीन भोजन स्कूल में बैठकर ही खाना पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रधानाचार्य महोदय की काफ़ी योगदान रहा है, सराहनीय कार्य रहा है, जिसके लिए जो शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, और इससे हम जानेंगे कि क्या कारण रहा कि आज जो है गेट के ऊपर ताला लगाया जा रहा है, क्या कारण रहा है सर?
स्कूल प्रशासन और एसएमसी के विभागों के अनुसार हमने ठीक 9 बजे गेट को बंद करना शुरू कर दिया है ताकि पाठशाला में अनुशासन बना रहे। प्रार्थना सभा के दौरान कोई भी बाहरी तत्व जो है वो यहाँ डिस्टर्ब ना करे प्रार्थना सभा में आकर के, उसके लिए हमने ताला लगाना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ क्योंकि अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था और बच्चे भी सभी स्टाफ मेंबर्स भी समय पर जो है स्कूल पहुंच रहे हैं, इसके साथ साथ हमने रिसेस के टाइम भी गेट को बंद रखना शुरू कर दिया है